हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आशी छाया में। ये देखिए, ये बेला है, टेरिस पर इस टाइम बैठी हुई है और मैं इससे बातें कर रही हूँ। और आप सब लोगों को भी मैंने इनवाइट किया है बातें करने के लिए। प्लीज़ आप आइए मेरे साथ और बेला के साथ बातें कीजिए, क्योंकि बेला इस टाइम बहुत अलोन फील कर रही है, क्योंकि सारी फैमिली नीचे है, सब लोग खेल रहे हैं। इसके मम्मी पापा हैं नीचे, इसके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा हैं, तो बहुत बड़ी फैमिली है। आपको मिलवाऊंगी सबसे बारी बारी। इसके भाई बहन हैं, फिर इसकी मौसी है, इसके मौसी के साथ इसकी मौसियाँ दो तीन काफ़ी हैं, मौसी हैं, फिर इसके मम्मी पापा हैं, फिर इसके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा हैं, तो बहुत बड़ी फैमिली है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं ये नहीं देखती कि भाई हमारे घर के पास के ही जो स्ट्रेट हो गए उनके लिए सोचना है, नहीं। मेरे को अगर मैं कहीं पर भी आती जाती हूँ तो क्या है कि मेरे को अगर सड़क पे भी कोई भी डॉग मिलता है ना, तो वो उसके साथ भी मेरी वही फीलिंग है जो अपने यहाँ हमारे घर के पास के स्ट्रे डॉग के साथ है। हम लोगों ने इन पूरी ये फैमिली है, काफ़ी सालों से हम लोग इनको कर रहे हैं केयर, तो ये एक अजीब सी मैं बॉन्डिंग सी हुई पड़ी है इनके साथ। और जैसे परिवार इनका बड़ा है, बढ़ता जा रहा है, हमारे ही सामने हम लोग देख रहे हैं, तो हम केयर भी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम लोग इनके साथ जुड़ भी रहे हैं। फीलिंग भी वही है आ रही है कि भी जैसे मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, ऐसे ही मैं इनके लिए करती हूँ। जो आटे की रोटी मैं खाती हूँ, उसी आटे की रोटी इनके लिए बनती है। जो ब्रेड मैं खाती हूँ, वही ब्रेड इनके लिए, परफेक्ट की ब्रेड आती है हमारे घर, तो परफेक्ट की ब्रेड ही इनको मिलती है। और अगर मक्खन खाना है तो इनको भी ब्रेड के ऊपर मक्खन ही मिलेगा। रोटी के ऊपर बटर खाना है तो रोटी के ऊपर बटर लगा के ही मिलेगा इनको। मैं इस तरह की हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मेरी चीज़ को, मेरी बात को समझें। आप अगर थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इनकी केयर अच्छे से कर पाऊंगी। ये देखिए, इस टाइम क्या है कि इसकी बैंडेज डॉक्टर ने उतार दी है और ये अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। अब मॉर्निंग में, आज संडे था तो एक ही बार लेके जाना था, क्योंकि मॉर्निंग में ही वो खुलता है क्लिनिक डॉक्टर साहब का, तो अब मॉर्निंग में कल फिर जाना है। और जो आपको हमने बताया था, जो इनकी टीम है, इसके भाई बहनों की जो टीम है बेला के, तो उसमें से भी एक जो है इसकी सिस्टर, वो भी अब खाना नहीं खा रही है, तो मेरे लिए भी और ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि मैं अभी एक इसको मैं जैसे घर पे रखा हुआ है अकेले, तो एक्चुअली उसको भी अकेले ही रखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर उसको मैं अकेले रखूँ जिससे कि वो भी ठीक हो जाए। तो अगर मैं उसको इसके साथ रखूंगी तो साथ में रखने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, और जो बाकी बहन भाई हैं उसके साथ भी उनको उसको नहीं रख सकते। तो कल मैं सुबह उसको भी दोबारा से डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि वो भी खाना नहीं खा रही है। तो आप सब लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़। थैंक यू सो मच।